चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी कि फ्लोरिंग के अंदर जो भी अपन मटेरियल्स काम में लेंगे उनका अपन ने सारा ओवरव्यू कर लिया था, ठीक है। अब फ्लोरिंग के अंदर जो जो मटेरियल्स हम काम में लेंगे उनको कैसे एक्सेल के अंदर इनपुट करना है, इस वीडियो के अंदर वो वाले पार्ट जो है आपका कवर होगा, ठीक है। तो फ्लोरिंग का जो मटेरियल है वो कहाँ पे आपको कौन सा लगाना है, ठीक है, डेडो आपको कितना लगाना है, स्कर्टिंग आपको कितना लगाना है, उसके लिए चाहे आपका प्रोजेक्ट जो है वो कॉमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट से मीटिंग के बाद ही ये तय होगा, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपने टेक्निकली चीज़ों को क्लाइंट को समझा सकते हो बट फाइनली वहाँ क्लाइंट को रहना है, ठीक है। तो क्लाइंट कौन सा टाइल्स यूज़ करे, कौन सा फ्लोरिंग के लिए मटेरियल यूज़ करे, ये सब चीज़ें फाइनली रहना उसको है, चाहे प्रोजेक्ट आपका कॉमर्शियल भी हो चाहे रेजिडेंशियल हो, फाइनली क्लाइंट के हिसाब से ही चीज़ें सारी डिस्कस होगी कि आपको मीटिंग करनी पड़ेगी कि आपको क्या वहाँ पे प्रोवाइड करना है क्या नहीं करना है। हाँ, आप उनको सजेशंस ज़रूर दोगे, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट क्लास के अंदर जैसे मेरा जहाँ पे यूटिलिटी एरिया है, वॉशरूम वाला एरिया है, टॉयलेट वाला एरिया है, वहाँ पे मेरे को सिरेमिक टाइल्स प्रोवाइड करनी है, तो आप उन्हें बताओ कि विट्रीफाइड टाइल्स अगर वहाँ पे यूज़ करोगे तो वहाँ पे स्लिप होने का रिस्क रहेगा, ठीक है। और टेक्निकल जो जो रीजन्स आप उनको क्लियर करो, टेक्निकली चीज़ों को क्लियर करना हमारा काम है बट क्लाइंट के साथ आपको मीटिंग करनी पड़ेगी और एक टेबल बनानी पड़ेगी सारी, जैसे इस तरह से मैंने एक टेबल बनाई है, ठीक है, इस तरह से आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, ये देखो इस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा स्पेस, ये फ्रंट एंड बैक की बालकोनी के अंदर मेरे को कौन सा मटेरियल प्रोवाइड करना है। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, फ्लोरिंग के अंदर डेडो, फ्लोरिंग मतलब जो भी हॉरिजेंटल मैं मटेरियल्स जो प्रोवाइड करूंगा उसको फ्लोरिंग मैंने नेम दिया है, जो भी वर्टिकल जो मटेरियल्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जो स्कर्टिंग है मेरा या वॉल वाली जो टाइल्स है उसको अपने डेडो बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे अब फ्लोरिंग के अंदर कोटा स्टोन यूज हुआ है, ठीक है, स्कर्टिंग में भी यहाँ पे कोटा स्टोन यूज होगा। उसके बाद आपका स्टेयर्स है, हॉल के अंदर जो स्टेयर है, स्टेयर बिलो हॉल, ठीक है, मतलब स्टेयर के ऊपर के मटेरियल की बात नहीं हो रही है, स्टेयर के नीचे जो मटेरियल होगा जहाँ पे हॉल है वहाँ पे जो मटेरियल होगा उसकी बात हो रही है, बेडरूम के अंदर, कॉरिडोर के अंदर, एंट्रेंस पैसेज के अंदर मेरे कौन कौन सा मटेरियल है, ठीक है। वर्टिफाइड डबल चार्ज मैट फिनिश वाली टाइल्स है और स्कर्टिंग के अंदर ग्लोसी विट्रीफाइड वाली टाइल्स है। किचन के अंदर मेरा क्या क्या मटेरियल है, एंट्रेंस स्टेप्स के अंदर मेरा क्या क्या चीज़ है, डोर विंडोज के अंदर मेरा क्या है, टॉयलेट के अंदर क्या है, स्टेयर कैसे है, स्टेयर लैंडिंग के अंदर क्या है, इस तरह से आपको पूरा जो है डिस्कस करना पड़ेगा और सब कुछ आपको मटेरियल डिसाइड करने पड़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल लगेगा, ठीक है। और अभी आप काम कर रहे हो एज ए एस्टिमेशन इंजीनियर, ठीक है, तो आपको जो है स्क्वायर मीटर के अंदर कहाँ पे कौन सा मटेरियल लगेगा वो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका कंपनी नेम भी आएगा, ठीक है, गदारिया की आपने टाइल्स ली है, सहारा की है, और कोई सोमानी वाली टाइल्स है, कुछ भी आपने कंपनी एक्स वाई जेड जो है वो सब आपको लिखनी पड़ेगी, हर कंपनी की अपनी अलग प्राइस होती है, अलग स्टैंडर्ड होगा, कुछ और चीज़ होगी। अब अपने बात करते हैं, सबसे पहले मान लो यहाँ पे एक्सेल शीट पे अपना काम यहाँ तक हुआ था, पेंट का अपन ने जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पे मैं नंबरिंग थोड़ी सी ठीक करता हूँ, ये जो 50 नंबर है यहाँ पे 50 नंबर इसका नहीं देना है अपने को, वाइट वॉश का देना है 50 नंबर, 50 हो गया, 50 अपन ने कैलकुलेट किया था, ये 51 हो गया। देन इंटीरियर पेंट जो है ये मेरा हो जाता है 52, देन एक्सटीरियर पेंट जो है ये मेरा हो जाएगा 53, ठीक है। और आज अपना जो होगा, आज हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि कोटा स्टोन मेरा कहाँ कहाँ लगेगा उसकी क्वांटिटी अपने कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोटा स्टोन, ठीक है, कोटा स्टोन मेरा कहाँ कहाँ लगेगा, सबसे पहले अपने प्लान पे चलते हैं, प्लान मेरा ये रहा, मैं ओपन करता हूँ, ग्राउंड फ्लोर का जो ये रहा आपका प्लान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको आगे की तरफ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो यहाँ पे जो आपका गैलरी है, ठीक है, बालकोनी, इसको नेम लिख रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा प्रोवाइड होगा कोटा स्टोन इस वाले एरिया में, आगे की जो दो बालकोनी है और पीछे की जो दो बालकोनी है यहाँ पे मेरा कोटा स्टोन प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको स्टार्ट करो, फ्रंट बालकोनी, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, फ्रंट बालकोनी, रेयर बालकोनी,
के अंदर जो क्वांटिटीज है वो टू टू है, दो है, यहाँ पे भी दो है, ठीक है। तो यहाँ फ्लोरिंग जो होगा मेरा ये होगा 3500 बाय 3700 बाय 1600 का, ठीक है। 3700 बाय 1600, तो मीटर के अंदर मैं चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3.7 मल्टीप्लाई 1.6। देन रेयर बालकोनी का मैं चेक करता हूँ, क्वांटिटी मेरी दो हो गई। रेयर बालकोनी में चेक करता हूँ, यहाँ पे आपका बेस में जो है कोटा स्टोन लगेगा 2550 मल्टीप्लाई 1500, 2550, इसको चेंज कर लेते हैं मीटर के अंदर। देन 2550 2.55, देन 1.5, 1500 mm हो गया 1.5, ठीक है। देन यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल्स टू का साइन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एंटर। यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर के अंदर मेरा कैलकुलेट करना है मेरे को एरिया जहाँ पे आपका कोटा स्टोन लगने वाला है। यहाँ पे मैं क्या कमांड लगाऊंगा, कंट्रोल डी, ठीक है। सेम एक्शन को रिपीट करने के लिए कमांड लगाऊंगा कंट्रोल डी। अब मेरे को ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, फ्लोरिंग के अंदर जो भी मेरा लगने वाला है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा वॉल के पास में क्या लगने वाला है, वॉल के पास में मेरा स्कर्टिंग भी लगने वाला है। स्कर्टिंग जो है वो देखो कितना एमएम का है, यहाँ पे अपन देखते हैं स्कर्टिंग जो है कितना एमएम का है। ये देखो यहाँ पे स्कर्टिंग जो है वो 150 mm का स्कर्टिंग है, ठीक है। फ्रंट एंड बैक बालकोनी के अंदर 150 mm का स्कर्टिंग है। देन आप यहाँ जाओ, नेक्स्ट जो हेडिंग डालो अंदर लिखो डेडो ऑब्लिक स्कर्टिंग, स्कर्टिंग, ठीक है। इसमें भी मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, फ्रंट बालकोनी और रेयर बालकोनी के लिए, ठीक है। तो फ्रंट बालकोनी के अंदर मेरा स्कर्टिंग कहाँ पे होगा, ये फ्रंट बालकोनी है मेरी, स्कर्टिंग वहीं पे होगा जहाँ पे आपका वॉल आ रहा है, ठीक है। बाकी जहाँ पे ये रेलिंग आ रही है यहाँ पे कोई स्कर्टिंग नहीं होगा। स्कर्टिंग आपने मैंने क्या बताया था, वॉल के बिल्कुल पास में होगा, जैसे वॉल के ऊपर कोई सीपेज नहीं है इस वजह से स्कर्टिंग प्रोवाइड होगा। तो 1500 mm का स्कर्टिंग इस पूरी वॉल पे प्रोवाइड होगा। 3500 आपका जो है इसका साइज हो गया वॉल का, 3500 प्लस इधर से जो हाइट है वो होगी 800, तो 3.5 प्लस 0.8। यहाँ पे मैं कर देता हूँ नंबर, मेरे पास हो जाएंगे फ्रंट के लिए दो, देन इक्वल्स टू का साइन 3.5 प्लस 0.8, स्कर्टिंग हो गया ये मेरा। स्कर्टिंग का जो हाइट है वो मेरे पास हो जाएगा 150 mm, यानी कि मीटर के अंदर 0.15 मीटर। रेयर बालकोनी के अंदर क्वांटिटीज मेरे पास टू ही होगी, और आपका यहाँ पे रेयर बालकोनी में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड जो वॉल है ओनली एक्स डायरेक्शन की ही वॉल है, देखो वाई के अंदर तो कुछ है नहीं, ओनली एक्स डायरेक्शन की वॉल है, तो ओनली इतने पे ही लगेगा, 2550 पे ही आपका लगेगा स्कर्टिंग, ठीक है। डोर का डिटेक्शन होगा वो अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो चीज कर रहे हैं, डोर का डिटेक्शन। यहाँ पे पहले आपने डाला 2550, देन 2.55 मीटर, 0.15 आपका क्या हो गया, स्कर्टिंग का हाइट हो गया। यहाँ पे सेम फॉर्मूला आप बना लो, इक्वल्स टू का साइन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, करके आपने ये चीज आ गया। और यहाँ पे मैं सेम रिपीट कर देता हूँ, स्क्वायर मीटर यहाँ पे आ गया, स्क्वायर मीटर, ये मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। अब आपको देखना है कोटा स्टोन जो है आपका हॉरिजेंटल सरफेस पे जहाँ पे लगने वाला था वो चीज़ कैलकुलेट हो गई है, वर्टिकली डेड वे स्कर्टिंग जो लगने वाला था वो चीज़ आपकी कैलकुलेट हो गई है। अब आपको डिटेक्शन क्या करना है, जहाँ पे आपका डोर आ रहा है वहाँ तो आप स्कर्टिंग कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब डिडक्शन को करूंगा, डिडक्शन मैं करता हूँ, ठीक है। फ्रंट की बात करते हैं, अगर प्लान के अंदर चलते हैं फ्रंट की बात करते हैं, देखो यहाँ पे D1 डोर आ रहा है मेरा, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे D1 डोर को माइनस करना पड़ेगा। पीछे चलते यहाँ पे D2 डोर आ रहा है दोनों तरफ, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो D1 जो डोर आ रहा है मेरा, इसके नंबर ऑफ क्वांटिटीज होगी टू। तो देखो D1 डोर मेरा है, इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, 1.05 मल्टीप्लाई 2.1,
ये नोट डाउन करता हूँ मैं, D1, D1, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, इसका साइज लिखो 1.05, 1.05 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2.1, ठीक है। तो डिडक्शन के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेरी दो ही रहेगी, D1 दो है मेरा। अब आपके लेंथ की बात करूँ तो लेंथ उतनी ही हो जाएगी जितनी आपके डोर की लेंथ थी, 1.05, ठीक है। ये देखो यहाँ से भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे स्कर्टिंग की हाइट जो है वो वही रहेगी 0.15, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूँ डिडक्शन विंडो का होगा या नहीं होगा, विंडो का डिडक्शन इसमें नहीं होगा क्योंकि स्कर्टिंग जो है डोर वाले लेवल तक ही रहेगा, विंडो वाले लेवल तक तो स्कर्टिंग मेरा जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ओनली डोर ही माइनस होगा इसके अंदर। देखो यहाँ पे आपको प्लान के अंदर विंडो भी दिखाई दे रही है, बट विंडो को माइनस नहीं करेंगे, ओनली डोर को ही माइनस करेंगे, क्योंकि स्कर्टिंग जो है बिल्कुल आपका नीचे वॉल के पास में होगा, इस साइड पे वो होगा ही नहीं, ठीक है। देन D2 डोर के लिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ, D2 डोर का क्या स्पेसिफिकेशन है मेरा, चेक करो यहाँ पे ड्राइंग के अंदर। D2 जो है मेरा 0.9 मल्टीप्लाई 2.1, सॉरी यहाँ पे ये हो गया 0.9 मल्टीप्लाई 2.1, नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेरी होगी 2, लेंथ होगी 0.9, एंड हाइट हो जाएगी स्कर्टिंग की जो हाइट है 0.15। देन फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल्स टू का साइन, नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एंटर। सेम फॉर्मूला मेरे को नीचे अप्लाई करना है। अब देखो इसके अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, यहाँ पे आपको माइनस लगाना था, क्यों, क्योंकि डिटेक्शन हो रहा है। एंटर किया, ये देखो ऑटोमेटिकली माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस लगाता हूँ, माइनस का साइन लगाया मैंने। यहाँ पे कंट्रोल डी कर दो, सेम ऑपरेशन आपका रिपीट हो जाएगा। देन ये स्क्वायर मीटर, अब आपको ऑल्ट के साथ, लेफ्ट वाले ऑल्ट के साथ सम करना है कोटा स्टोन की टोटल क्वांटिटी का, दैट इज 20.96 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करके ले आता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे इसको एडिट कर देता हूँ और लिख देता हूँ कोटा स्टोन का जो है क्वांटिटी मेरे पास हो गया टोटल कितना, कोटा स्टोन का मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ गया है 20.96 स्क्वायर मीटर, ठीक है। कोटा स्टोन मेरा कहाँ कहाँ लगेगा, फ्रंट के बालकोनी की में लगेगा, रेयर के अंदर पीछे जो मेरी, ठीक है, बालकोनी है वहां पे लगेगा। ये आपका जो चल रहा है ये प्लान जो है ये ग्राउंड फ्लोर का ही प्लान है, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी जो गैलरी है इसको यहाँ पे बालकोनी लिख रखा है, ठीक है। यहाँ का और यहाँ का आपने कोटा स्टोन जो लगेगा वो कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, और स्कर्टिंग वाला जो पार्ट है वो भी कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रेनाइट की, ठीक है। ये क्वांटिटी जो अपनी 54, अब मैं बात करता हूँ 55, 55 में बात करता हूँ ग्रेनाइट की। अब ग्रेनाइट मेरा कहाँ कहाँ पे लगेगा, ठीक है। सबसे पहले जो आपका ग्रेनाइट जो है यहाँ प्लान के अंदर देखो, यहाँ एंट्रेंस स्टेप के अंदर आपका ग्रेनाइट है। अब ये चीजें कहाँ कहाँ लगेगी ये सब आपको उस प्लान से देख के आना है। ये वाला जो मैंने बताया ना, ये वाली लिस्ट जो अपन बनाएंगे क्लाइंट के साथ बैठ के, कहाँ पे कौन सा मटेरियल लगेगा, ठीक है, कहाँ पे डेटो लगेगा और किस कंपनी का लगेगा, ये सब आपको ये लिस्ट देख के आपको डिसाइड करना है कि ग्रेनाइट कहाँ कहाँ पे लगेगा, ठीक है। देन देखो मेरा यहाँ एंट्रेंस वाली जो स्टेप्स है काउंट करो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्टेप्स है मेरे एंट्रेंस वाली। यहाँ पे मेरा क्या होगा, ग्रेनाइट लगेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंट्रेंस स्टेप, एंट्रेंस स्टेप, ठीक है। एंट्रेंस स्टेप के लिए राइजर पे मेरा कितना ग्रेनाइट लगेगा और ट्रेड पे मेरा कितना लगेगा, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ट्रेड, ठीक है, और सिमिलरली आप इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे लिखेंगे राइजर, राइजर के अंदर आपका कितना क्वांटिटी लगेगा ग्रेनाइट का। नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं, ट्रेड जो है वो भी टोटल 6 हो जाएंगे, राइजर जो है वो भी टोटल 6 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे प्लान के अंदर आते हैं, ये देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेड मेरे 6 हैं, राइजर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ठीक है, सिक्स ट्रेड हो जाएंगे, सिक्स मेरे राइजर्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो टोटल जो इसकी हाइट है वो है 2400, 2400 mm है, तो मीटर के अंदर मेरा कितना हो गया, 2.4 मीटर के अंदर मेरा हो जाएगा 2.4। अब मैंने आपको बताया था एक स्पेसिफिकेशन लास्ट क्लास के अंदर कि यहाँ पे अगर आप ग्रेनाइट को यूज़ करते हो ट्रेड पे, तो ट्रेड पे थोड़ा सा मोल्डिंग करने के लिए ग्रेनाइट को क्या 25 mm मेरे को बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेड का जो साइज है वो है, ट्रेड का जो साइज है वो है 250 mm, 250 mm। तो मीटर के अंदर कितना हो जाएगा, मीटर के अंदर हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ, 0.25 मीटर हो गया, ठीक है। उसके अंदर मेरे को ऐड करना पड़ेगा 25 mm, मेरे को ऐड करना है, तो 25 mm को मीटर के अंदर मैं क्या लिखूंगा, 0.025, एंटर, सॉरी, यहाँ पे आपने मेरे को प्लस का साइन लगाना था बीच में, वो नहीं लगाया अपन ने, इस वजह से डिस्टर्ब होगी इक्वेशन। तो ये टोटल कितना हो गया, 0.275, ठीक है। इसको अच्छे से समझो, ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो मेरा ट्रेड है, राइजर जो है मेरा 150 है, राइजर 150 हाइट है, और उस पर मटेरियल भी 150 का ही लगेगा, बट ट्रेड पे क्या होगा, आपका ट्रेड दे रखा है 250, बट 250 से थोड़ा सा आपका क्या होगा, आपका ट्रेड थोड़ा सा बाहर होगा, क्यों, 25 mm आपको बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां मेरे को माउल्डिंग करनी है, ठीक है। देन आपका मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बना दिया, 0.25 प्लस 0.025 mm मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया, अब नेक्स्ट राइजर्स है, राइजर्स के लिए भी लेंथ तो 2.4 ही होगी, और राइजर्स की जो विड्थ है वो हो जाएगी मेरी, सॉरी राइजर की जो डेप्थ है वो हो जाएगी मेरी 0.15, 150 mm है तो मीटर के अंदर 0.15। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाता हूँ, इक्वल्स टू का साइन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एंटर। सिमिलरली यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दो आप सेम फॉर्मूला के लिए, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो है मेरे को लिखना यहाँ पे चाहिए था डेप्थ के अंदर, ठीक है, क्योंकि ट्रेड के अंदर तो क्या होगा, विड्थ होगी, बट राइजर के अंदर डेप्थ होगा, बट सेम फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि यहाँ से सेम फॉर्मूला मेरा, सेम शेल्स मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला आराम से लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको लिख दिया है। उसके बाद मेरा क्या है, डोर का थ्रेशोल्ड मेरे को कैलकुलेट करना है, और मेरा ग्रेनाइट लगेगा डोर्स के थ्रेशोल्ड पे। थ्रेशोल्ड क्या होता है, लास्ट क्लास अगर आपने देखी हो तो आपको अच्छे से पता है थ्रेशोल्ड क्या होगा, अब देखो मेरा थ्रेशोल्ड क्या होगा, यहां से आप इस इमेज को देखो, जैसे मान लो आपका रूम है और हॉल है, उसके बीच में जो पार्टीशन है, उस पार्टीशन को थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, बीच के अंदर ग्रेनाइट को यूज करूंगा, या कोई भी मटेरियल को यूज कर सकते हो, बट वहां पे थोड़ा सा अलग अच्छे से उसको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं ग्रेनाइट यूज किया है मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं थ्रेशोल्ड बोलूंगा, हॉल हॉल या रूम का जो पार्टीशन है उसके लिए, हॉल का किचन से जो पार्टीशन है उसके लिए, या सब रूम्स का या सब सबका जो भी पार्टीशन है उसके लिए मैंने यहाँ पे बीच के अंदर क्या है, ग्रेनाइट को यूज किया, तो ये मेरा थ्रेशोल्ड हो गया। तो जहां जहां पे अपना डोर आ रहा है, ठीक है, या विंडो आ रही है, वहां वहां पे मैंने क्या किया है, सिल पे, डोर के सिल्स पे, विंडो के सिल्स पे क्या है, ग्रेनाइट प्रोवाइड किया है, तो वो सब मेरे को कैलकुलेट करना है। पहले मैंने डोर के सिल्स पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको डोर का सिल भी बोल सकते हो और थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हो, मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ डोर सिल या थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब डोर आपके पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले मेरे पास है मेन डोर, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, MD यहाँ से हो गया मेन डोर, 1.20 मल्टीप्लाई 2.1, इन सब डोर को आप चाहो तो पीछे से कॉपी करके ला सकते हो, आपका जहाँ पे भी डोर का कुछ अगर अपन ने काम किया हुआ है, काफी काम किया हुआ है डोर का, ये देखो यहाँ पे ये सब पड़े हैं, यहाँ से इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ, कंट्रोल सी, देन यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन दो को, विंडो को यहाँ से एक बार डिलीट कर देता हूँ, विंडो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। एक आपका हो गया MD, D1, D2, और D3 और D4 नहीं आया है आपका, सॉरी D3 नहीं आया है, D3 भी है मेरे पास, देखो D2 जो है इसको मैं दो बार लिख रहा हूँ, दो बार क्यों लिख रहा हूँ, उसका कारण आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा हो जाएगा D3, D3 का जो मेरा साइज है वो है 0.75 मल्टीप्लाई 2.1,
D2 को मैंने 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि डी टू डोर 200 mm की वॉल में भी है और 100 mm की वॉल में भी है। ठीक है, पहले तो आप ये समझो कि थ्रेशोल्ड जो है कितने एरिया में लगेगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे मान लो ये मेरा थ्रेशोल्ड है यहाँ पे, ये आपने दो इमेज देखी थी, ये मेरा थ्रेशोल्ड है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है, इसकी सॉरी इसकी जो लेंथ है वो डोर की लेंथ के इक्वल ही होगी। ठीक है, बट इसकी जो विड्थ है वो वॉल के विड्थ के इक्वल होगी। ठीक है, तो डोर की जितनी लेंथ है वो लिया, और विड्थ का मैंने क्या विड्थ जो ली वो वॉल की विड्थ ली। ठीक है, डोर का लेंथ लिया और वॉल की विड्थ ली मैंने। देन यहाँ पे मैं करता हूँ MD, स्टार्ट करते हैं। MD डोर है, इसकी क्वांटिटी मेरे पास कितनी है पहले ये देखते हैं। मेन डोर जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर एक ही होगा, ये अपना मेन डोर है, तो क्वांटिटी है मेरी 1। यहाँ पे मैंने लिखा 1। देन इसकी लेंथ कितनी होगी मेन डोर की, लेंथ ये रही 1.20, 1.20 इसकी लेंथ होगी। उसके बाद इसकी हाइट विड्थ कितनी होगी, विड्थ जितनी वॉल की विड्थ होगी। फॉर्मूला मैंने समझा दिया आपको, ये मेरी वॉल की विड्थ होगी। वॉल यहाँ पे 200 mm की है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 200 mm, और मीटर के अंदर मेरा हो गया 0.2। नेक्स्ट D1 डोर की बात करते हैं। ये देखो D1 डोर जो है कहाँ कहाँ पे है, देखो D1 डोर देखो, एक मेरा यहाँ पे है हॉल में लगा हुआ है, और एक मेरा यहाँ पे लगा हुआ है बालकनी और हॉल के बीच में। दो है मेरे पास D1, और कहीं पे भी D1 नहीं है, दो इधर हो जाएंगे। सिमेट्रिक है ये वाला साइड, तो दो जो है D1 इधर भी हो जाएंगे। D1 D1 यहाँ पे हो गए, दो D1 D1 यहाँ पे हो गए, तो टोटल मेरे पास 4 हो गए D1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज मैंने लिखी 4। देन ये मेरे पास हो गया 1.05। ठीक है, यहाँ से D1 जो है डोर की लेंथ हो गई 1.05। अब D1 जो डोर है वो देखो कहाँ पे है, ये मेरा यहाँ पे जो D1 डोर है देखो 200 mm की वॉल पे है। ठीक है, यहाँ पे भी 200 mm की वॉल पे है, यहाँ पे भी 200 mm की वॉल पे, और यहाँ पे भी 200 mm की वॉल पे। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड का जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा 0.2। 200 mm है तो मीटर के अंदर मेरा कितना हो जाएगा 0.2। उसके बाद नेक्स्ट D2 डोर की बात करें, तो D2 डोर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया प्लान को, क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ कि D2 डोर जो है वो मेरे कहाँ पे है। ये देखो D2 फर्स्ट, उसके बाद D2 मेरा यहाँ पे है 2 3, और एक D2 मेरा यहाँ पे पीछे 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 यहाँ पे हो गए, और सिमिलरली 4 यहाँ पे हो जाएंगे, टोटल मेरे पास नंबर हो जाएंगे 8। ठीक है, बट अब जो D2 डोर्स हैं जो 200 में लगे हुए हैं उनको मैं अलग काउंट करता हूँ, और जो 100 mm की वॉल में लगे हुए हैं उनको मैं अलग काउंट करता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे 100 mm की वॉल कौन सी है, यहाँ पे 100 mm की वॉल है, यहाँ पे भी 100 mm की वॉल है, ये भी 100 mm की वॉल है, ये जो आउटर वॉल है ये 200 mm की है। तो D2 200 mm की वॉल पे कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ D2, यहाँ पे देखो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 200 mm वॉल, 200 mm वॉल के लिए आपका एक स्पेसिफिकेशन हो गया, और यहाँ पे D2 जो है 100 mm की वॉल के लिए एक स्पेसिफिकेशन हो गया है। यहाँ पे मैंने 100 कर दिया, 100 mm वॉल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी हो गई 2, साइज इसका हो जाएगा 0.9, और वॉल की जो थिकनेस है वो है 0.2 मीटर, यानी कि 200 mm वॉल। अब D2 जो है 100 mm की वॉल पे कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो गई, 200 वाला तो अपन ने ले लिया, 100 mm की वॉल पे 1 2 3, 3 बच गए, 3 ये और 3 ये, 1 2 3, ये 3 ये और 3 ये, टोटल हो गए 6। यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर 6, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 0.9। अब यहाँ पे जो है विड्थ क्या हो जाएगी, जो पार्टीशन वॉल की विड्थ होगी वो लेंगे, पार्टीशन वॉल मेरे 100 mm की है, देन यहाँ पे आ गया 0.1। उसके बाद D3 मेरा कहाँ कहाँ पे लगा है वो देखते हैं, और वॉल की जो विड्थ है वो कितनी है। D3 मेरा लगा है 1 2 2 ही है, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 3 4, 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे। ठीक है, और ये लगे हुए हैं 100 mm की वॉल पे, तो टोटल नंबर मेरे पास हो गए 4। ठीक है, लेंथ इनकी हो जाएगी 0.75, और विड्थ जो इसकी हो जाएगी 100 mm, यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये मेरा टोटल थ्रेशोल्ड का क्वांटिटी निकल गया। यहाँ पे फॉर्मूला बनाओ, इक्वल्स टू का साइन, नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एंटर। देन सेम प्रोसेस को मैं नीचे रिपीट करता हूँ, ये सब आपका सेम प्रोसेस नीचे रिपीट हो गया। ठीक है, ये मेरा जो है डोर का सेल कंप्लीट कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, अब मेरे को विंडो का सेल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट डालते हैं हेडिंग, विंडो का सिल, विंडो सिल। ठीक है,
अब विंडो सिल के अंदर उसको थ्रेशोल्ड नहीं बोलेंगे, डोर के सिल के अंदर उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, क्योंकि वो दो फ्लोर्स को जो है सेपरेट करता है, उसलिए उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। और विंडो के सिल को जो है अपने कैलकुलेट करना है। देखो विंडो कितने टाइप की है अपने पास, विंडो अपने पास यहाँ पे टेबल के अंदर W1 W2 दो टाइप की विंडो है, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि W1 जो है यहाँ पे लगी है, W1 W1 दो दो लगी है यहाँ, और साइड में देखो एक लगी है यहाँ, तो मेरे पास होगी टोटल नंबर W1 के टोटल नंबर हो गए 3, ठीक है। बट मेरा थ्रेशोल्ड जो लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, थ्रेशोल्ड जो मेरा लगेगा वो ओनली लगेगा 200 mm की वॉल पे, सॉरी ग्रेनाइट जो मेरा है वो ओनली 200 mm वाली वॉल पे है, क्योंकि यहाँ पे आप इस टेबल को देखो, डोर विंडो सिल के अंदर यहाँ पे पूरा जो है डिटेलिंग अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। एक सेकेंड, सिंगल पीस ग्रेनाइट स्टोन है, ठीक है। सिंगल पीस ग्रेनाइट और डबल पीस ग्रेनाइट क्या होता है, देखो सिंगल पीस जो ग्रेनाइट होता है वो किसी एक ब्लॉक से ही ग्रेनाइट को कटा हुआ था, मतलब ग्रेनाइट की एक स्लैब होती है, और आपका जो डबल पीस होगा उसके अंदर क्या होगा, दो दो ग्रेनाइट के स्लैब्स को आपस के अंदर ज्वाइंट किया हुआ होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ विंडो सिल की, ठीक है। तो मेरे पास पहले W1 और W2 दो विंडो हो जाएगी, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर ओनली जो आपका इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी W1 विंडो है जहाँ पे 200 mm की वॉल है वहीं पे आपका ग्रेनाइट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। 100 mm वाली जैसे मान लो यहाँ पे आपका आ रहा है W1, यहाँ पे भी 200 mm, अच्छा सॉरी 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 ओनली W1 है, 1 2 दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, दो इस साइड हो जाएगी W1 और दो इस साइड हो जाएगी, सॉरी सॉरी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे भी आपकी विंडो है वहाँ पे सब जगह आपका क्या है ग्रेनाइट प्रोवाइड किया गया है। तो देखो W1 विंडो जो मेरे पास ये वाला जो BHK है, ये जो 2 BHK है, यहाँ पे एक W1 हो गया और एक यहाँ पे हो गया, दो हो गया W1, तो दो इस साइड हो जाएंगे, तो टोटल मेरे पास हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे आपने W1 प्रेस किया है, W1 का साइज मेंशन किया, W1 का जो साइज है 1.5 मल्टीप्लाई 1.2, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स मेरे हुए 4, लेंथ आपकी हो जाएगी 1.5, ठीक है। लेंथ आपकी हो जाएगी जो विंडो की लेंथ है वही आपके सिल की जो है लेंथ हो जाएगी, और सिल की जो विड्थ है वो कितनी होगी, जितनी आपकी वॉल की विड्थ है, वॉल मेरी है 200 mm की, तो मीटर के अंदर होगी 0.2। अब W2 विंडो की बात करता हूँ, W2 विंडो इसके अंदर आपका स्पेसिफिकेशन क्या है, ये जो है 0.9 मल्टीप्लाई 2.1, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेरे को कैलकुलेट करनी है, चलिए प्लान के अंदर काउंट कीजिए, W1 कहाँ कहाँ पे है, W1 जो है मेरा 1 2 3 और 4, ठीक है। एक साइड में मेरा 3 4 5, एक साइड में मेरा 5 है, 1 2 3, 3 ये पीछे हो गई, 2 ये यहाँ पे गई, एक साइड में मेरा 5 है, 5 इधर और 5 इधर हो गई, तो टोटल मेरे पास हो गई 10। नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेरे पास हो गई 10। देन उसके बाद मेरा लेंथ जो है वो कितना होगा, 0.9, जो आपके विंडो का लेंथ है वो इसका लेंथ हो जाएगा, और विंडो का जो वॉल का जो विड्थ है वो हो जाएगा 0.2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो लग रखी है सारी 200 mm की वॉल पे, ये भी 200 mm की वॉल है, ये भी 200 mm की वॉल है, एंड पीछे वाली भी जो है ये 200 mm की वॉल पे ही लगी हुई है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताता हूँ, इक्वल्स टू का साइन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एंटर। सिमिलरली यहाँ पे अपन ने ये इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ग्रेनाइट मेरा एंट्रेंस स्टेप के अंदर हो गया, डोर सिल के अंदर हो गया, विंडो सिल के अंदर हो गया। अब मेरा लास्ट बचा है ग्रेनाइट मेरा स्टेयर्स जो मेरी है वहाँ पे भी मेरा ग्रेनाइट यूज होगा, तो स्टेयर वाला प्लान मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखो स्टेयर का ये मेरा लेआउट है, यहाँ पे भी मेरा क्या होगा टोटल ग्रेनाइट लगेगा, यहाँ पे भी मेरे को ग्रेनाइट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो स्टेयर के अंदर आपकी क्या क्या चीजें हो जाएगी,
स्टेयर केस के अंदर आपके बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो जाएगी, ट्रेड हो जाएगा, राइजर हो जाएगा और लैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तीन जगह है जहां पे आपका क्या है, ग्रेनाइट प्रोवाइड होगा। स्टेयर के ऊपर क्या होगा, राइजर पे प्रोवाइड होगा ग्रेनाइट, ट्रेड पे प्रोवाइड होगा और उसके बीच में लैंडिंग आएगी, उस पे भी आपका ग्रेनाइट प्रोवाइड होगा। ट्रेड मेरे पास कितने हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कैलकुलेट करो। चलिए इसके अंदर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ट्रेड मेरे पास हो गए 9 9 और 9 18, तो ट्रेड मैंने यहाँ पे लिखे, नंबर ऑफ ट्रेड मेरे पास हुए 18। अब बात करते हैं इसकी, ट्रेड की तो लेंथ और विड्थ की। ट्रेड की जो लेंथ है वो है 1175 mm, 1175 mm, तो मीटर के अंदर कितना हो गया, 1.175। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1.175। विड्थ मेरी कितनी हो जाएगी, विड्थ चेक करो यहाँ से कितनी हो जाएगी, विड्थ मेरी हो जाएगी 250 है। ठीक है, एंट्रेंस स्टेप अपन ने क्या दिया था, 250 लिया था प्लस 0.025 मीटर एक्स्ट्रा लिया था, यानी 25 mm मैं एक्स्ट्रा लूंगा ग्रेनाइट के केस में, क्योंकि मैं उसको, मैं तो चौंच की तरह नहीं रखना उसको, उसको मोल्डिंग करनी है। ठीक है, तो 25 mm एक्स्ट्रा लूंगा। तो यहाँ से सेम डाटा को मैं इस तरह से यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर डाटा बनाया था एंट्रेंस स्टेप के लिए, तो यहाँ से इस डाटा को मैं कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं अपन ने क्या कहता है, 0.25 तो जो है ट्रेड की जो हाइट है, जो ट्रेड की जो विड्थ है जो आपको गिवन है, और 0.025 अपने को एक्स्ट्रा जो 25 mm जो प्रोवाइड करना है मोल्डिंग के लिए वो हो गया। राइट, इसके बाद अपने काउंट करते हैं राइजर के लिए, राइजर मेरे पास कितने हो जाएंगे, चलिए काउंट करते हैं ड्राइंग के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ लैंडिंग तक आपके राइजर लगेंगे 10, फिर यहाँ पे वापस से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 और 10 मेरे पास टोटल हो गए 20। देन यहाँ पे नंबर मेरे पास हो गए टोटल 20। लेंथ मेरी कितनी है राइजर्स की, राइजर्स की लेंथ जो है वो सेम होगी जो आपकी इसकी लेंथ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये आपकी ट्रेड की लेंथ है, राइजर्स की लेंथ जो है वो तो सेम होगी। डेप्थ जो है राइजर की वो कितनी है, 150 mm, 150 mm यानी मीटर के अंदर कितना हो गया, ये मैं यही लिख देता हूँ जिससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, डेप्थ वैसे लिखनी यहाँ पे चाहिए आपको एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं कैलकुलेशन को आसानी से कर सकता हूँ, इक्वल्स टू का साइन, नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एंटर, और इससे क्या है मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूंगा और मेरे यहाँ पे भी कैलकुलेशन हो जाएगी सारी, इसलिए मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया, अथवा डेप्थ को यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेरा लैंडिंग, लैंडिंग की नंबर ऑफ क्वांटिटी तो वन ही रहेगी, वन है। टोटल लैंडिंग का जो हाइट और विड्थ कितना हो जाएगा देखते हैं, ये देखो ये मेरी लैंडिंग है, लैंडिंग की जो लेंथ है वो है टोटल 2400, 2400 mm मीटर के अंदर मेरा हो गया 2.4, मीटर के अंदर हो गया मेरा 2.4। देन विड्थ की बात करता हूँ, अब अच्छे से देखना थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे तो इसकी अगर मैं बात करूँ विड्थ की, तो ये 1200 mm है आपका, राइट, 1200 mm विड्थ है, बट आपको ग्रेनाइट 1200 mm से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 1200 mm तो ये लैंडिंग वाली जो है लेंथ है वो हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है 250 mm जो है यहाँ पे देखो, ये बीम वाला पार्ट आ रहा है 250 mm यहाँ पे, तो 250 mm जो है वो वॉल पूरा कवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे अपनी वॉल जो है वो कितनी है 200 mm की, तो 200 mm की वॉल यहाँ से जो स्टार्ट होगी कॉर्नर से तो वो यहाँ तक आएगी, कहीं ना कहीं यहाँ तक आएगी, तो 50 mm अपना रह जाएगा। तो 50 mm वाले स्पेस पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्रेनाइट प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपने को स्पेसिफिकेशन जो है छोटी से छोटी चीज का लेना है। ठीक है, तो यहाँ 1250 प्लस 50 mm और ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो बीम है, बीम का जो है ये वाला जो पार्ट है ये कितना है 250 mm, और वॉल जो है वो अपना 200 mm है। ठीक है, तो यहाँ से 50 mm एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ इक्वल्स टू का साइन, इक्वल्स टू का साइन, ये मेरे पास कितना हो गया 1200, 1200 mm यानी कि 1.2, 1.2 प्लस प्लस 0.05
एंटर करूंगा तो 1.25 आ जाएगा। यहाँ पे सेम फॉर्मूला आपने रिपीट करते हैं तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ गया है। ग्रेनाइट मेरे को कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है, एंट्रांस स्टेप पे प्रोवाइड करना है, साइज और ट्रेड कैलकुलेट कर लिए, डोर के सील और विंडो के सील पे मेरे को प्रोवाइड करना है ग्रेनाइट। ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली, स्टेयर केस में प्रोवाइड करना है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, लेफ्ट के अंदर जो ऑल्ट है वो प्रेस करूंगा और प्लस प्रेस करूंगा सम के लिए, इसको आपको ड्रैग करके पीछे लेके जाना है, देन एंटर प्रेस करना है। आपका टोटल आ गया 17.62। कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, इसके अंदर अपन चेक करते हैं वापस से। ओके, एंट्रेंस स्टेप को अपन ने कंसिडर नहीं किया, अपन ने यहीं तक ही कैलकुलेट कर लिया। वापस से मैं यहाँ फॉर्मूला बनाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्या कर, फॉर्मूला कैसे बनाओगे, ऑल्ट के साथ प्लस प्रेस करोगे, इसको अपने को ड्रैग करना है ऊपर तक। ये अपन ने ड्रैग यहीं तक किया था, यहाँ ऊपर तक करोगे देन एंटर प्रेस करोगे, देन आएगा 23.74। अब एग्जैक्टली आपका आ चुका है। ठीक है, इसको सारे को अच्छे से सेलेक्ट करके पॉइंट के 2 डिजिट के वैल्यू को डाल दो, 1 2 देन 23.74 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा टोटल, ये जैसे कोटा स्टोन की टोटल क्वांटिटी निकली थी और ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी निकल गई ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट आपको टोटल कितना क्वांटिटी चाहिए स्क्वायर मीटर के अंदर, वो कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, स्क्वायर मीटर का क्वांटिटी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने एस्टिमेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको मार्केट से कितना ग्रेनाइट मंगवाना है साइट पे, उसको आप स्क्वायर मीटर के अंदर नहीं बोलोगे। ठीक है, बट एस्टिमेशन जब आप बनाते हो तो इस क्वांटिटी को स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट करते हो। मार्केट से आपको ग्रेनाइट कितना मंगवाना है वो चीज़ अपने किस में पड़ेंगे, क्वांटिटी सर्वे के अंदर पड़ेंगे। यहाँ पे मैं सब देखिए स्क्वायर मीटर प्रोवाइड कर देता हूँ, स्क्वायर मीटर देन यहाँ पे आपका स्क्वायर मीटर नीचे तक आ जाएगा। स्क्वायर मीटर जहाँ जहाँ पे आपकी क्वांटिटी नहीं है वहां से मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आज वाली क्लास के अंदर अपन ने क्या किया है, कोटा स्टोन का कितना क्वांटिटी बिल्डिंग के अंदर लगेगा, फ्लोरिंग में या फिर वॉल वाली टाइल्स के अंदर, डेडो के अंदर, स्कर्टिंग के अंदर, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। और ग्रेनाइट आपका कितना लगेगा बिल्डिंग के अंदर, वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर अपन कैलकुलेट करेंगे कि वर्टिफाइड टाइल्स है वो कितनी लगेगी, सिरेमिक टाइल्स है वो अपनी कितनी लगेगी। उसके बाद अपना जो है फ्लोरिंग का जो काम है, फ्लोरिंग का और डेडो का, या फिर वॉल पे जो आपकी फ्लोरिंग होगी, वॉल पे जो आपकी टाइल्स लगेगी, वो वाला सारा काम कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक। ओके, तब तक के लिए आप अपने प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं।